रक्षा में बारात हो या बचपन की सौगात, सोशल मीडिया पर छपा आपकी दिलचस्पी का खजाना, यकीन आए तो खुद देख लें। वैसे तो आजकल के दौर में हर फर्द ही सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ देखते हुए नजर आता है, मगर इस हवाले से बहुत कम लोग वाकिफ हैं कि हमारी जिंदगी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मस्नूई जहानत के जिनने अपने काबू में किया हुआ है, जो हर वक्त हमारे दिमाग को पढ़ता रहता है और उसके बाद हमें हमारी दिलचस्पी के मुताबिक वही कुछ दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। वैसे तो हर फर्द के वाल पर उसके दिलचस्पी और शौक के मुताबिक चीजें नजर आती रहती हैं, मगर कुछ चीजें मुश्तरका पसंद के भी होती हैं। ऐसे ही कुछ चीजों को हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। नंबर वन, जब हम खुश हैं तो किसी की परवाह क्यों करें। आमतौर पर बारात को ले जाने वाली गाड़ी हर फर्द अपनी हैसियत से पढ़कर किराए पर या दोस्तों से मांग कर लेता है। उसके बाद उस गाड़ी की धुलाई होकर उसके कोने कोने को ना सिर्फ चमकाया जाता है बल्कि उसको फूलों से भी सजाया जाता है। मगर हम दावे के साथ कहते हैं कि ऐसी बारात आपने पहले कभी ना देखी होगी। ये कोयटा के किसी इलाके में ले जाने वाली एक बारात है, मुलाहिजा फरमाइए। नंबर दो, बचपन की नज़में इंसान सारी उम्र नहीं बोलता। अगर आपका ताल्लुक 90 की दिहाई से है तो फिर आपके वाल पर यकीनन कोई ना कोई ऐसी पोस्ट जरूर दिखाई देती होगी जिसका ताल्लुक आपके बचपन से होता होगा। ये देखिए और अपने बचपन की यादों में गुम हो जाइए। नंबर तीन, शादी की तैयारियां कर रहे हैं तो दावतनामे का डिजाइन यहाँ से देखें। अगर आप शादी के इस सीजन यानी दिसंबर में शादी करने जा रहे हैं तो आपके वाल पर ऐसे मनाजर तो बार बार आ रहे होंगे। दुनिया का मुख्तसर और सस्ता डिजाइन दावतनामा मुलाहिजा फरमाइए। नंबर चार, सियासी लोगों के वाल से एक तोहफा। वैसे तो हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि यहाँ हर फर्द सियासी उमूर का माहिर, मईशत दान और क्रिकेट का कोच है। यहाँ तक के हमारे तो रक्षे वाले भी गैर सियासी नहीं हैं। नंबर पाँच, अच्छे लोगों से दुनिया अभी खाली नहीं हुई। नेक लोगों के वाल पर ऐसे मनाजर अक्सर नजर आते हैं और दिल ही साख्ता ऐसे लोगों की तारीफ पर मजबूर हो जाता है। नंबर छः, बेटे के इंतजार में खड़ा बूढ़ा बाप। जवान बेटे का दौर होना बाप की कमर को वक्त से पहले दोहरा कर देता है। ऐसे में जब इस बेटे की उम्मीद हो तो बाप का इंतजार कैसा होता है, दिल नरम कर देने वाला मनाजिर देखिए। नंबर सात, बात तो सच है मगर और हमारे वाल से आपके लिए एक ऐसा पैगाम जिसको याद रखकर आपने ना सिर्फ अपनी सेहत बेहतर कर सकते हैं बल्कि रिश्ते भी संवार सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे वाल पर आने वाले ये पैगामात आपको पसंद आए होंगे। अब आप में से हर फर्द अपने वाल पर आने वाले कुछ पैगामात शेयर करें।